हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ डाइन्स के बारे में। देखिए, अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से एल्कीन्स में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। अब अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करें तो जब किसी मॉलिक्यूल में अल्टरनेटिव पोजिशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। अब कॉन्जुगेशन का किसी भी मॉलिक्यूल के अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब ये तो हो जाएगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और नॉर्मल एल्कीन की बात करें तो उसमें एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर किसी भी तरह का कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब देखिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करें तो उसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम के कंपैरिजन में लोअर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मींस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए लोअर एनर्जी की जरूरत होती है, और अगर अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करें तो उसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम ब्यूटाडाइन के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू देखें तो ये होती है 217 नैनोमीटर, और इथाइलिन के लिए अगर देखें तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 175 नैनोमीटर। तो यहाँ पर ब्यूटाडाइन के लिए हायर वेवलेंथ या लोअर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, और इथाइलिन के लिए लोअर वेवलेंथ या हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। देखिए, अगर हम एनर्जी और वेवलेंथ की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखिए, अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इंक्रीज होते हैं या कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है तो उस केस में जो वेवलेंथ है वो हायर एंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, या हम कह सकते हैं जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो उसके स्पेक्ट्रम में पहले आती है अल्ट्रावायलेट, और उसके बाद जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती है उसके बाद आती है विजिबल रेंज। तो कॉन्जुगेशन जैसे जैसे इंक्रीज होता है जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देती है। अब विजिबल रीजन में क्या होता है, 7 कलर होते हैं जिनको हम विबग्योर कहते हैं, तो इस वजह से जो कंपाउंड है वो कलर शो करेगा। अब देखिए, अगर किन्हीं दो क्रोमोफोर्स की बात करें और उनमें कॉन्जुगेशन हो रहा है तो वो क्या करेंगे, बेथोक्रोमिक शिफ्ट शो करेंगे। बेथोक्रोमिक शिफ्ट का मीनिंग होता है वेवलेंथ का रेड एंड या लॉन्गर एंड की तरफ शिफ्ट होना। इसके साथ साथ जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है। अब यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन का इफेक्ट है उनको हम डाइन्स में कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पर हम एसाइक्लिक और साइक्लिक डाइन्स का एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन एसाइक्लिक डाइन्स। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, इथाइलिन के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 175 नैनोमीटर, और 13 ब्यूटाडाइन के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 217 नैनोमीटर। अब ब्यूटाडाइन के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है, या उसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए लोअर एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो उसको हम समझेंगे। अब देखिए, किसी भी डबल बॉन्ड की बात करें तो उसमें दो तरह के पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, एक हो जाएगा बॉन्डिंग और एक हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। अब डाइन्स की बात कर रहे हैं तो डाइन्स में कम से कम दो डबल बॉन्ड होते हैं, तो जब दो डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो वहां पर 4 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, जिसमें से 2 हो जाएंगे बॉन्डिंग और 2 हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के लिए जो वेव फंक्शन है उनको हम साई 1 और साई 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के जो वेव फंक्शन है उनको हम साई 3 और साई 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए, 13 ब्यूटाडाइन की बात करें तो उसके जो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं
उनकी एनर्जी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो जाएगी साई वन की एनर्जी, ये साई टू की, यहाँ आ जाएगा साई थ्री और यहाँ हो जाएगा साई फोर। अब अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग हो जाएंगे पाई और एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे पाई स्टार। पाई में यहाँ पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेंगे और एंटी बॉन्डिंग में भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेंगे। अब 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन के पेयर इस तरह से रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है होमो और ल्यूमो। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ल्यूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए ये क्या होते हैं, अगर होमो की बात करें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड का मतलब है जो बॉन्डिंग है उसका हायर एनर्जी लेवल जो कि इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड है, तो वो हो जाएगा होमो। अब एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, इसमें लोवेस्ट कौन सा होगा ये वाला, हाईएस्ट कौन सा होगा ये वाला। अब यहाँ पर लिखा है अनऑक्यूपाइड मींस ऐसा लोवेस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा ये वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए अगर होमो और ल्यूमो के बीच का डिफरेंस देखें तो वो कम है और इलेक्ट्रॉन अगर होमो से ल्यूमो में ट्रांसफर होता है तो उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 217 नैनोमीटर। अब 1,3 ब्यूटाडाइन को हम इथाइलिन के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए इथाइलिन का ये हो जाएगा बॉन्डिंग और ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। अब इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में अगर गैप देखें तो वो होमो और ल्यूमो के गैप से ज्यादा है, तो यहाँ पर इथाइलिन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने में हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। हायर एनर्जी का मतलब क्या होगा, इसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहाँ रह जाएगा 175 नैनोमीटर। तो यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए होमो और ल्यूमो में एनर्जी गैप कम है और इथाइलिन के लिए पाई और पाई स्टार के बीच में गैप ज्यादा है। इस वजह से 1,3 ब्यूटाडाइन का इलेक्ट्रॉन आसानी से हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए जैसे जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता रहता है होमो और ल्यूमो के बीच में गैप कम होता रहता है। गैप जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली होमो से ल्यूमो में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। देखिए अगर किसी मॉलिक्यूल में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो होमो और ल्यूमो के बीच का गैप अनकॉन्जुगेटेड कंपाउंड के कंपैरिजन में कम रहेगा। अगर तीन डबल बॉन्ड हो जाते हैं तो होमो और ल्यूमो के बीच का गैप और कम हो जाएगा। अगर चार डबल बॉन्ड हो जाते हैं तो होमो और ल्यूमो के बीच का गैप और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता रहता है लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी और एनर्जी धीरे धीरे कम होती रहेगी। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में होमो और ल्यूमो के बीच का गैप शो किया हुआ है। सबसे पहले इथाइलिन की बात करें तो इसमें एक ही डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें होमो और ल्यूमो के बीच का गैप सबसे ज्यादा रहेगा। ब्यूटाडाइन की बात करें तो इसमें दो डबल बॉन्ड होते हैं, तो इथाइलिन के कंपैरिजन में एनर्जी गैप थोड़ा कम हो जाएगा। हेक्साट्राइन की बात करें तो इसमें तीन डबल बॉन्ड होते हैं, तो एनर्जी गैप और ज्यादा कम हो जाएगा। ऑक्टा टेट्राइन की बात करें तो इसमें चार डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसमें होमो और ल्यूमो के बीच का एनर्जी गैप और ज्यादा कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इस तरह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं साइक्लिक डाइन्स की। तो देखिए अगर हम होमो एन्युलर डाइन्स की बात करें तो इसके लिए लॉन्गर वेवलेंथ की जरूरत होती है लेकिन इंटेंसिटी कम रहती है। अगर हम हेट्रो एनुलर की बात करें तो इसके लिए शॉर्टर वेवलेंथ की जरूरत रहती है लेकिन इसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहती है। ये हो जाएगा होमो एनुलर डाइन का एग्जाम्पल और ये हो जाएगा हेट्रो एनुलर डाइन का एग्जाम्पल और ये हो जाएगी इन दोनों के लिए लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू। अब देखिए अगर हम एंडोसाइक्लिक और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करें तो जब डबल बॉन्ड रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है
तो उसको हम एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। और जब डबल बॉन्ड रिंग से इस तरह से बाहर से अटैच होता है तो उसको हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। अब लैम्डा मैक्स की बात करें तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वजह से जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो किसी भी कंपाउंड में 5 नैनोमीटर इंक्रीज हो जाती है। अगर दो डबल बॉन्ड होते हैं तो वैल्यू 10 हो जाएगी। मीन्स एक एक्सोसाइक्लिक के लिए जो लैम्डा मैक्स में इंक्रीमेंट आता है वो 5 नैनोमीटर होता है। अब इसका रीजन क्या होता है? देखिए, जब किसी रिंग में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म का जो स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन है उसको डिस्टोर्ट कर देता है। तो डिस्टोर्ट करने की वजह से होमो और ल्यूमो के बीच का जो एनर्जी गैप है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जब होमो और ल्यूमो के बीच का गैप डिक्रीज होगा तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसको हम बेथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं। तो ये हो गया डाइंस के अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा पर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट।